Hello guys, today I'm going to show you how to edit Kaing Master video editor. Please guys watch this. ये मेरा गैलरी है, इससे हम वीडियो कोई भी वीडियो हम लेंगे, जैसे वीडियो ऐड करने के बाद आप दिखाएंगे कैसे वीडियो एडिट करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखते रहिए। ये मेरा एक पुराना वीडियो है, तो इससे हम एडिट करके दिखाएंगे कैसे वीडियो एडिट कर सके, बहुत ही आसान है, देखते रहिए कैसे काइंग मास्टर यूज़ करना है। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिट इस्तेमाल किया, बट मुझे बहुत आसान लगता है काइंग मास्टर, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें आप ग्रीन स्किन्स का भी इस्तेमाल कर सके, कोई भी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सके, बहुत ही आसान है। जैसे आपको देखना है कैसे करना है, तो इसी के लिए हम आया है आपको वीडियो लेके, क्योंकि यूजुअली ये टेक वीडियो मैंने नहीं बनाता। मेरा जो चैनल है स्पेशली आप देख सकते हो, जो मोस्टली ड्रिंक्स का ऊपर है, जो बार्टेंडर का कोर्स कर रहा है उसका रिलेटिव वीडियो मैंने डालता हूँ। तो मैंने सोचा शायद से बहुत ज़्यादा आदमी है जिसको पता ही नहीं कैसे वीडियो एडिट करना है, और तो हम सोच के एक वीडियो लेके आया, आप देख सकते हैं कैसे वीडियो एडिट कर सके। ये जो है 3D शेप के भी, आपको जो पेज है इसको आप 3D शेप बना सके, ब्रिक्स का शेप बना सके, जो आपको अच्छा लगता है। हम इसको बीच से थोड़ा कट करेंगे, फिर इसमें और लेयर बनाएंगे, इसको हम इसको लेयर बना के दिखाते हैं आपको, जो एक वीडियो है उसको लेयर करेंगे। इसके पहले इसको बैकग्राउंड लेके आना होगा, कुछ भी लेयर करोगे। मेरे गैलरी में काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो गया, तो कोई भी एक फ़ोटो लेता है, रिलेटिव ड्रिंक्स, चलो एक वीडियो ले लेते हैं, मेरा पुराना वीडियो है। इसको देखा गाइस, इसको लेयर कैसे किया। इसके बाद थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया फोटोज़, इसको साइज में लेके आने के लिए क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें इसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हम कोई भी फ़ोटो डालेंगे, फिर इसको थोड़ा काफ़ी ब्राइट है, इसको थोड़ा डार्क करेंगे, जैसा डार्क है देख सकते हैं, डार्क हो गया मेरा, तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेयर जैसे लगता है, थोड़ा 3D जैसा फीलिंग आता है। फिर और एक इसके साथ फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, क्योंकि एक ही वीडियो है फ़ोटो से थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो दो फोटो डालते हैं, वीडियो नहीं डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। और तो थोड़ा साइज में लेके आएंगे इसको, थोड़ा छोटा लग रहा ऊपर से, इसको थोड़ा ठीक छोटा, हाँ ऊपर से ठीक है, आप थोड़ा बीच में थोड़ा गैप डालेंगे, तो दोनों साइड जो है आपको देखना होगा जो इक्वल है, ऊपर नीच साइड, तो बीच को जो तो बीच में थोड़ा काटर जैसे लग रहा है, इससे थोड़ा जोड़ेंगे, जो स्पेशल बेसिक इफेक्ट्स है ना, इससे आप कर सकते हैं। इसमें दो है, दूसरा वाला थोड़ा लगता है आप एडिट किए बोल के, दूसरा में थोड़ा अच्छा दिखता है, तो दूसरा इस्तेमाल करेंगे। इसको छोटा बड़ा साइड जैसे आपको जोड़ सकते हैं ऐसे जोड़ सकते हो, जितना चाहे आपको इतना ऐड कर सके, शायद से 8-9 इस्तेमाल कर सके, नॉट मोर देन दैट एट द सेम टाइम। तो बैक जाके देख सकते हैं कैसे लग रहा है वीडियो, जैसे ये थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा क्लिक करेंगे तो जो नीचे का जो लेयर्स है ना वो दिखाई देगा। हाँ ये थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया, इसको कट करना पड़ेगा, ये छोटा हो गया, ये वाला जो वीडियो मेरा ड्रिंक्स का लास्ट वाला डाला था छोटा हो गया, तो इसको क्लिक करके पीछे की तरफ खींचना होगा, अगर आपको सामने की तरफ चाहे क्लिक करके सामने की तरफ खींचना होगा, तो इससे एक ही लेवल में आ जाएगा, और सारे जो लेयर्स किए आपने वो एक ही जैसा दिखने में लगेगा। बहुत ही आसान है ये वीडियो एडिटर काइंग मास्टर, जैसे आपको पता करना होगा बस किधर कौन सा चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करना है।
जैसा ये एक दूसरा इफेक्ट्स है स्पेशल इफेक्ट्स, इसको आपका चैनल का नाम डाल सकते हैं, कोई भी आप जिस बारे में आप वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में आप डाल सके। थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे ग्रीन स्किन स्किन का इस्तेमाल करते हैं। एक मेरा जो ग्रीन स्किन्स का है वो नॉर्मली यूट्यूब, क्या बोलते हैं, यूट्यूब नहीं, गूगल में मिल जाएगा आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सेफ है आपका चैनल का नाम डालना चाहते आप ऐड करना चाहते हो तो जो है इसमें ग्रीन स्किन स्किन का भी दिया हुआ है, उसको आप इस्तेमाल कर सके। इसको थोड़ा क्रोम कर लेंगे क्योंकि फॉलोअर्स जो है ना वो ब्लैक में है तो अच्छा नहीं दिखेगा इसमें, इसमें मैच हो रहा है, अगर दूसरा कलर में आता तो अच्छा दिखता। इसको क्रोम करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसके बाद मेरा जो चैनल का नाम है राजू बेवरेज लैब, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जो आपका अपना चैनल है, चैनल का नाम है वो आपको टाइप कर सकते हैं, जो भी अपना नेम डाल सकते हैं। फिर इसका जो वर्ड्स है इजीली जाइए वर्ड्स में, जो ऐसा पैटर्न आपको चाहिए बोल्ड में चाहिए जैसे चाहिए ऐसा डालिए आप। डालने के बाद थोड़ा अच्छा दिखेगा, ऐसा प्रोफेशनल जैसा लगेगा, जैसे आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो आपका चैनल भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसमें केवल और कोई अपना चैनल अगर उठाए भी है तो उसको एडिट करना होगा, इजीली उसको नहीं मिल जाएगा आपका फुटेज। प्लस एट द सेम टाइम अपना चैनल का भी आप प्रमोशन कर सकते हैं, जो कौन सा चैनल के ऊपर बना हुआ है, जो भी है आप देख सकते हैं मेरा वीडियोस है, कौन सा चीज़ एडिट किया आप देख रहे हैं। इसके बाद आप म्यूजिक डालेंगे, थोड़ा बिना म्यूजिक का अच्छा नहीं लगता ना, जिसमें भी म्यूजिक फ्री में मिल जाएगा और प्रीमियम वर्जन भी है आपको जो चाहिए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए जैसे कैसे काइंग मास्टर का जो लोगो है वाटरमार्क फ्री में निकलना है, वो भी वीडियो है मेरा चैनल में आप देख सकते हो। फाइनली हम म्यूजिक ऐड कर दिया, आप सुन सकते हो, थोड़ा बैक जाके हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप जो वॉल्यूम है शायद से कभी कभी लो हो जाता है, उसको बढ़ा भी सके कम भी कर सके, बहुत ही आसान है, जस्ट आप वीडियो एडिट करते जाइए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे करना है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।